अनुशासन के साथ प्रार्थना पूर्वक योगाभ्यास करें। ये पहला थोड़ा मुनि जी करेंगे। हाँ करो, फिर हाथ पूरे खोल लो तो चलो। ऐसे बारह योगी जोगी के पोज है, लंबे लंबे श्वास और ऐसे और फिर लंबे लंबे श्वास लेते रहो। गर्मी जाग जाएगी, सर्दी भाग जाएगी। अगला प्रयास दोनों हाथ है कमर के साइड में, ये बारह स्टेप है। रोज अभ्यास कर लेते लंबे लंबे श्वास। ये योग गंगा है इसमें जो नहाते हैं, ये योग गंगा है इसमें जो नहाते हैं। रोगों से ग्रसित तन मन पावन हो जाते हैं। ये योग गंगा है इसमें जो नहाते हैं, ये योग गंगा है इसमें जो नहाते हैं। गंगा में, यमुना में, त्रिवेणी में तो नारे योग गंगा में भी स्नान कर रहे हैं। तो स्नान अमृत, योग अमृत का, ज्ञान अमृत का, वेद अमृत का सब पान करेंगे, पूरा मुक्ति पाएंगे, पूरी मुक्ति। थोड़ा सा अब थोड़ा आधा है तो सब कर लेना, आधा 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 इधर से किया आधा इधर, और जब पूरा कर सके तो पूरा थोड़ा सा ज्यादा दम खूब लगेगा। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाए, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाए। हर योग से जीवन है ये बात समझाए, हाँ योग से जीवन है ये बात समझाए। ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं। ये योग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, ये योग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। रोगों से पावन हो जाते हैं, गंगा ये बारह स्टेप करने से पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। अब तो भगवान सूर्य देव भी पूरी तरह से उदय हो चुके हैं, विटामिन डी भी पूरा मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन खुली हवाओं में, खुले वातावरण में, दिव्य वातावरण में, दिव्य भव्य कुंभ में योगामृत का पान करो पूरे आनंद से। फिर अगले अभ्यास से दिव्य ज्ञान के मोती अमृत के सागर में, दिव्य ज्ञान के मोती अमृत के सागर में, फल ही फल मिलते हैं सुख के इस तरवर में, फल ही फल मिलते हैं सुख के इस तरवर में। इस योग सरोवर में, इस योग सरोवर में
डुबकिया लगाते हैं, ये योग गंगा है एक सरोवर में। सरोवर में डुबकियां लगाते हैं, ये योग गंगा है। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। दुख क्लेश का है बंदे जहाँ कोई काम नहीं, दुख क्लेश का है बंदे जहाँ कोई काम नहीं। आते हैं यहाँ जो भी, आते हैं यहाँ जो भी, जीवन को सजाते हैं। लोगों से ग्रसित तन मन, लोगों से ग्रसित तन मन पावन हो जाते हैं। जय yeah.